हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। इस लेक्चर में हम पार्ट ए कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट बी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, तो गाइज हम यहाँ पे एफएम की क्लासेस लेते हैं और एफएम में हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, जैसे कि कैपिटल बस्टिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री और लिवरेज। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं और हमने प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी किया है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सा बुक है और मैं आपको कौन से बुक से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास डीके गोयल का बुक है। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए अच्छा बुक है। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है, देन यू प्रेफर द अनदर बुक, आप कोई भी दूसरा बुक ले सकते हैं। और अगर आपके पास बुक ही नहीं है, तो देन यू कैन प्रेफर द टैनियर, तो आप टैनियर ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर चल रहा है, कैपिटल, हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अपनी कैपिटल पे। और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं फंड्स के, जैसे कॉस्ट ऑफ हमारे पास डिबेंचर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, रिटेन अर्निंग होता है, इन पे सब पे जो कॉस्ट आता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक एक टर्म को उठा के हम एक एक को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने डिबेंचर्स को उठाया, पहले डिबेंचर्स पे कॉस्ट कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाला, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को उठाया, प्रेफरेंस शेयर्स को उठाया, उनके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास चार मेथड थे, चार मेथड से हम अभी एक मेथड अच्छे से कर चुके हैं। सेकंड मेथड जो है हमारा, उससे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हमने बस लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चंस किया था, ठीक है, तो वो उस मेथड बेस्ड था। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे और ये भी डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड से बेस्ड है। ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट ऐसा है जो अभी तक हमने बिल्कुल करा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें यहाँ पे तीन पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के ए के भी थ्री पॉइंट्स हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, जेड लिमिटेड पे अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 3 पर शेयर एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ डिविडेंड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6%। ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। कौन एक्सपेक्ट करता है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ रेट 6% होना चाहिए पर एनम। मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस है ऑफ इट्स शेयर इज 60 रुपीज़ है। ठीक है, कंप्यूट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमें निकालना है। तो पहले हम पहला पॉइंट करते हैं, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट गिवन है, तो ग्रोथ वाले मेथड से ही होगा। आप कंफ्यूज जाते हो कि मैम कौन सा फॉर्मूला लगेगा चारों में से, तो अभी तो खैर हमने चारों भी नहीं किए, अभी लास्ट एक मेथड किया था और अभी सेकेंड मेथड जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा फॉर्मूला होता है के ई क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट के को दिखाता है, इक्विटी के लिए ई लिखा है, डिविडेंड डी वन अपॉन में पी नॉट इन टू में 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, बस आपको प्लस जी ऐड कर देना है। जी मीन्स क्या होता है, ग्रोथ होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी आ जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या था फॉर्मूले में, डी था ना, तो डी मीन्स होता है डिविडेंड, डी वन था, और ये कैसे निकलता है, डी नॉट ब्रैकेट में वन प्लस जी। तो पहले हम इसकी डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे, डी वन इज इक्वल टू डी नॉट का मतलब है डिविडेंड कितना देते हो। देखो यहाँ पे बुक में हमें साफ साफ लिखा हुआ था कि, मैं आपको शो करती हूँ,
बुक में देखो साफ साफ लिखा हुआ था कि 3 रुपीज पर शेयर हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। देखो लिखा हुआ है जेड लिमिटेड पे अ डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, और ग्रोथ रेट कितना था, 6% था। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हमसे बोल रहा था कि डिविडेंड कितना है हमारे पास में, डिविडेंड कितना होगा 3 रुपीज, और 1 + GG मीन्स होता है ग्रोथ, जो कि कितना है 6%। अब 6% को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, 0.06 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 1s 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 3 की मल्टीप्लाई 0.6 से अगर करते हो, 0.06 से, तो ये आता है 0.18। ठीक है, इसको ऐड कर दो 3.18, इसका मतलब ये है आपका डिविडेंड जो कि आप देते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड हो गया। अब उसके बाद हमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, बस डिविडेंड मिल गया। मार्केट प्राइस आपको गिवन था बुक में 60 रुपीज, वो लिखेंगे, और इनटू में 100 + ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट है 6%। तो फॉर्मूले में अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला वैसे हम लिख चुके हैं तो एक बार मैं कहोगे आप तो मैं लिख देती, वैसे जरूरत नहीं है। डिविडेंड आना था सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डिविडेंड, डिविडेंड कितना होगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा 3.18, अभी हमने कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस यानी कि पी नॉट इज 60 रुपीज़ इंटू में 100, देन प्लस 6%, ये हमारा ग्रोथ रेट है। अब आपको बस ये सॉल्व कर देना है। आप सुनो, सॉल्व कैसे करना है, 3.18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100, इसको सॉल्व करो कैलसी पे, ये कितना आएगा आपका 5.3%। ठीक है, इसके आंसर परसेंट में आते हैं तो 5.3% आएगा। देन आपको 6% जो है ये प्लस कर देना है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11.3%। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 का केवल एक ही पार्ट किया, पार्ट 1, जिसमें हमसे कह रहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करो, ये आ गया 11.3%। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट में देखो हमसे कह रहा था इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 7%, अगर ये अनुमान लगाया जाए कि ग्रोथ रेट जो है 7% हो जाता है, एंटिसिपेटेड मतलब होता है अनुमान लगाने के तरीके से, कैलकुलेट कैलकुलेट द इंडिकेट मार्केट प्राइस पर शेयर, तो आप बताओ फिर मार्केट प्राइस कितना होगा पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ग्रोथ रेट हमें 6% गिवन था, लेकिन ये चेंज कर रहे हैं 7% कर रहे हैं, और हमें बताना है कि मार्केट प्राइस मतलब डिविडेंड अपॉन में पी नॉट इंटू में 100 + ग्रोथ, ये फॉर्मूला होता है ना, तो डिविडेंड तो हमें चलो ठीक है पता है, हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकालते थे ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इतना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो पार्ट वन में कैलकुलेट किया ना, तो कितना आता है 11.3, तो यहाँ पे तो लिख देंगे 11.3%, डिविडेंड आप लिख दोगे सेम, पी मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है आपकी बार। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूले को घुमाकर कोई और चीज निकलवा देता है, ऐसी ही वही वही इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने जो निकाला था आपको वही रखना है, आपकी बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकालना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, अभी आपने कैलकुलेट करा ना, तो वही वही रखना है आपको, डिविडेंड आप वही रखेंगे सेम, और डिविडेंड एक सेकेंड, डिविडेंड सॉरी सॉरी डिविडेंड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 7% के हिसाब से, 7% है, मार्केट प्राइस आपको निकालना है इंटू में 100, और ग्रोथ रेट कितना आएगा यहाँ पे 7%। यहाँ पे जो पी है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पी नॉट लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, तो कैसे करेंगे, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे अभी तक हमने करा है, बस कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ये जो ग्रोथ है ना ये परसेंट में होगा, ये भी परसेंट में होगा, तो आप इसको यहाँ ला के माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड इज D1 पी नॉट इंटू में 100 + में ग्रोथ रेट यानी कि जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम D1 निकालते हैं, पहले D1 निकलता है D0 ब्रैकेट में 1 + G। ठीक है, ये मैं थोड़ा सही बनाती हूँ ये। ठीक है, तो D0 कितना होगा, डिविडेंड कितना है 3 रुपीज़, वही सेम 1 + G। अब G यहाँ पे 6% नहीं है, G बोल रहा है 0.7%, अगर हम 7% कर देते हैं तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे 0.07 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करना है, कुछ बच्चों को सॉल्व करने में इसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये नहीं कि उनको आता नहीं है, मतलब किस तरीके से करें वो 0.07 1 इन दोनों को प्लस कर देंगे देन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं
आपको इसको मल्टीप्लाई करना, जब भी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी होती है और ब्रैकेट के बाहर कुछ होता है, यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं, सॉरी दो डिजिट्स होते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसी सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसी से करते हैं, ठीक है? तो यही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आएगा, 0.07 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करोगे तो ये 0.21 आएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, देन क्या आएगा, 3 पॉइंट ये आएगा 3.21, ये अब आपको शो होएगा 3.21, ठीक है? ये आएगा, ओके, ये आपका डिविडेंड मिल गया आपको। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। अब हमें क्या निकालना है, पी नॉट निकालना है। देखो मैं आपको ये इरेज कर रही हूँ, ये इरेज मैंने कर दिया है। ये जो था डिविडेंड, देखो आपको मिल गया है डिविडेंड, कितना मिला अभी आपको, 3.21, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी आपने लास्ट फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला था, वो आया था 11.3%, ठीक है? और पी नॉट आपको निकालना है, पी की वैल्यू निकालने, क्वेश्चन क्या आया था ना, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा अगर हम ग्रोथ रेट 7 कर देते हैं, तो इनटू में 100 प्लस ग्रोथ रेट 7%, ठीक है? अब सुनो, अब मैं क्या बता रही थी आपको कि ये जो 11.3% लिखा हुआ है, ये भी परसेंट है ना, और ये भी परसेंट है, तो इसको जो सॉल्व करना है, अब ये पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन यही उठता है ना कि हम सारी वैल्यूज पुट कर लिया है, पी का वैल्यू निकालना है, हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्व कैसे करें? तो देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप जो आपको सिमिलर यहाँ पे दिखता है उसको सॉल्व करो। देखो इससे डिवाइड कर सकते हो, ना कर सकते, इससे कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये 11.3% है, ये भी 7% है, तो इससे कुछ हम कर सकते हैं, हाँ हम इस 7% को इधर बुला लेते हैं, तो 11.3% -7% साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल के इधर आता है, तो और बाकी सब एज इट इज रहेगा, इनटू में 100। आप इसको माइनस कर सकते हो, समझ गए कि मैं ये बता रही हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, बच्चों को कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है। देन अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 4.3% है ना, 4.3% आएगा अगर आप इसे माइनस करते हो। उसके बाद क्या करना है, इक्वल, अब ये 3.21 है, इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना आएगा, 3.21 हो जाएगा अपॉन में पी, ठीक है? यही रहेगा, अपॉन में पी हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, पी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पी लिख दिया, पी नॉट कर लो, फॉर्मूला पी नॉट है तो ये पी नॉट हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस कैसे करोगे, जैसे पी नॉट यहाँ 4.3 था, तो 4.3%, 4.3% इसकी मल्टीप्लाई करोगे पी नॉट से, तो 4.3% पी नॉट इज इक्वल टू 321। अब पी नॉट इज इक्वल टू 321 डिवाइडेड बाय 4.3। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपको बस सॉल्व करना है, कैलसी पे सॉल्व करो तो पी नॉट का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और ये आएगा लगभग 74.65, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा पी नॉट का वैल्यू। और सुनो, ये परसेंट में नहीं आएगा, ये जो है अभी तक हमने जितना भी किया था सब परसेंट में आ रहा था ना, क्योंकि हम कॉस्ट निकाल लेते कि कॉस्ट कितना परसेंट लगभग आ रहा है, ये मार्केट प्राइस है, प्राइस तो रुपीज में आता है ना, तो ये कितना होगा, रुपीज होगा 74.65 रुपीज, ये कितना है, मार्केट प्राइस है, ठीक है? तो ये था सेकंड पार्ट, अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इफ द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8.5%, अगर कोई कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.5% है, एंड द एंसिपिटेटेड ग्रोथ इज 6%, अगर उसका जो ग्रोथ है हम 6% मानते हैं, कैलकुलेट इंडिकेट मार्केट प्राइस इफ द डिविडेंड ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो आपको बताना है, अगर हम
एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं पहले। इंडिकेट मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर इज टू बी मेंटेन। आपको यहाँ पे क्या बताना है, इंडिकेट करना है, मार्केट प्राइस बताना है, मतलब वही पी नोट निकालना है, लेकिन कब, जब हमारा ग्रोथ 6% है और हमारा इक्विटी कैपिटल का जो कॉस्ट है वो 8.5% है, और डिविडेंड जो देते हैं हम ₹3 पर शेयर देते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले आपका काम यही है कि आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड अपॉन में पी नॉट इंटू में 100 और प्लस में ग्रोथ। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखने का, ये D1 होता है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब देखो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिविडेंड हमें बता रहा है डायरेक्ट 3 है, तो डिविडेंड की कैलकुलेशन भी नहीं होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमें गिवन है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखो 8.5%, डिविडेंड आ गया 3, पी नॉट आपको निकालना है इंटू में 100 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना गिवन है 6%। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, वैसे ही जैसे अभी किया था, इस 6 को इधर बुला लो, 8.5% माइनस 6%, 3 की मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा अगर आप 100 से करोगे, अपॉन पी नॉट रहेगा, इसे माइनस कर दो, इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 2.5% आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, 300 अपॉन पी नॉट। अब इसकी आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशन आगे की करनी है इस तरीके से। यहाँ पे देखो 2.5% और यहाँ पे पी नॉट क्रॉस कर दिया और ये क्या हो जाएगा 300। पी नॉट इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 300 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, आपको क्या करना है, 2.5 से इससे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा ₹120। ठीक है, क्योंकि प्राइस निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, प्राइस हमेशा रुपीस में, तो कितना प्राइस आ गया, ये ₹120। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। तो अब हमने देखो क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कर लिए, फर्स्ट पार्ट भी किया, सेकंड भी और थर्ड भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।